ओंकारेश्वर में आज स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान ने ओंकारेश्वर में संत समुदाय के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। लगभग 2,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अद्वैत लोक का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानधाता पर्वत पर संत समुदाय के साथ किया। आदिगुरु शंकराचार्य की अष्ट धातु की 108 फीट ऊंची एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण मांगलिक अनुष्ठान के साथ किया गया। इस अवसर पर खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री और सांस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, स्वामी अवधेशानंद जी गिरी, परमात्मानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, स्वामी तीर्थानंद जी महाराज सहित देश भर से आए लगभग 5,000 साधु संत उपस्थित रहे। ओंकारेश्वर में संत जनों के आगमन पर केरल की पारंपरिक पद्धति से अतिथियों का स्वागत किया गया। विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक नृत्य दलों के कलाकारों ने शिव परंपरा के नृत्य की प्रस्तुति देते हुए आध्यात्म धाम में सभी का स्वागत किया। सनातन संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक नृत्यों ने कार्यक्रम स्थल को आध्यात्मिक भाव से सरोबार कर दिया था। अद्वैत लोक के मांगलिक अनुष्ठान के अवसर पर मानधाता पर्वत पर उपस्थित जनों को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में अध्यात्म की दिव्य अनुभूति हुई। वैदिक यज्ञ में आहुति के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने यज्ञ के पंडितों को और वेद पाठ कर रहे वेद पाठियों का अभिवादन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री चौहान ने प्रतिमा के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य की एकात्मकता की प्रतिमा विश्व को शांति और एकता का संदेश देगी। अनावरण के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने उपस्थित साधु संतों, सन्यासियों और विद्वानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और अन्नपूर्णा लेकर आए। मुख्यमंत्री चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ पूज्य साधु संत और सन्यासियों तथा विद्वानों को भोजन प्रसादी स्वयं ही परोसी। साधु संतों ने मुख्यमंत्री चौहान को शॉल ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। VK News, राष्ट्र के नाम।